सो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने तीन हम लोग लैटिस पढ़ चुके हैं। अभी हमारा एक और इम्पोर्टेंट लैटिस जो इसमें आता है ना, वो होता है हमारा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल हमारा जो एक रहता है वो हम इसके आगे देख लेंगे। सो हेक्सागोनल लैटिस अगर हम लोग बनाना चाहे तो हमारा कैसे बनेगा, उसके अंदर सबसे पहले हमें सिक्स पॉइंट्स वन डायमेंशन में दिखेंगे अगर हम लोग एक में दिखाना चाहें तो। ठीक है, अगर सेम चीज इसको हम लोग थ्री डायमेंशन में एक बार क्रिएट कर लेते हैं, ये जिस ऐसा है कि आपको सिक्स उसके अंदर जो है, अगर आपको इसको एक साइड से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ये हमारा हेक्सागोनल है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है वो सब हमको देखने हैं। तो जैसे हम लोग कंसेप्ट ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कितने एटम, हम इसमें क्या करते हैं लैटिस के अंदर देखते हैं कितने एटम उसमें अवेलेबल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एटम्स कितना इन्वॉल्व है उसके अंदर, पहले वो हम चेक करते हैं। तो अगर हेक्सागोनल अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें हमें तीन टाइप के एटम्स हमें इन्वॉल्व मिलेंगे। एक तो इसमें कॉर्नर्स पे रहेगा, जो भी कॉर्नर्स उसमें जितने भी है वहां पे कॉर्नर वाले हमारे एटम्स रहेंगे। तो पहले हम लोग कॉर्नर एटम्स ले लेते हैं। कॉर्नर एटम्स में हमें याद है अभी इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें कॉर्नर एटम्स जितने हमारे हम लोग जो इसमें देखेंगे वो देखो, अगर एक एटम यहां पर है, अगर हम लोग हेक्सागोनल में लेंगे तो ये देखो ये इस तरीके से बनेगा, ये एटम इतना ही पार्ट उसका इन्वॉल्व रहेगा अगर हम लोग कंप्लीट एटम ले रहे तो। अगर उसके अंदर हम लोग देखेंगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, इसके अंदर जितना पार्ट है, जो हमारा पार्ट है वो वन सिक्स्थ पार्ट इस्तेमाल होगा इसमें। क्योंकि देखो क्या होता है ना, ये इस तरीके से आ जाता है, अगर हम लोग इसका हाफ लेते हैं ऐसे और ये ऐसे होता है, लेकिन अगर जब हम लोग इसके अंदर देखते हैं तो ये देखो 120 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बन रहा है ऑलमोस्ट। तो इसको हम लोग ऐसा ले सकते हैं। अभी इसमें कितने टोटल कॉर्नर्स कितने हम लोग काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉर्नर्स है। तो 12 जैसा मैंने बताया उसमें 120 अगर एंगल हमारा आ रहा है, दैट मीन्स उसका कुछ अगर हम लोग ऐसा अगर हम लोग पकड़ते हैं ये टोटल अगर हम लोग उसके सिक्स पार्ट करते तो हमारा इतना इतना स्पेस आ रहा है, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं 1/6 पार्ट इसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो 12 × 1/6 ले सकता हूं उसको, क्योंकि हमारे सिक्स जो 12 पोजिशन है इसमें, अगर हम लोग सिंपल लैटिस जब हम लोग देख रहे थे, सिंपल लैटिस के अंदर कैसे था कि चार रहते हैं, उसके अंदर हमारे कितने थे टोटल, हम लोग अगर यूज करें तो 8 कॉर्नर्स आ रहे थे, वैसे ही इसके अंदर हमारे कितने आ रहे, 12 आ रहे, 12 कॉर्नर्स, सिक्स पार्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो इसको अगर मैं लेता हूं तो इसको ऐसा बोल सकता हूं यहां पे 2 एटम्स रहेंगे टोटल। देखो 12 है, 1/6 पार्ट है, राइट, मतलब टोटल 2 एटम मिला के 12 कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जब हम सारे एटम्स का जो पार्ट्स जब हम लोग मिलाएंगे तो हमें 2 एटम मिल रहे हैं। तो वो दो एटम हमें किधर मिल रहे हैं, कॉर्नर्स में मिल रहे हैं। अभी हम लेंगे इसका बॉडी, ठीक है, बाकी बॉडी में सब में एक ही था, लेकिन अगर हम लोग हेक्सागोनल जब हम कंसिडर करते हैं तो इसमें हमारा क्या रहेगा, इसमें आपको क्या करना ना, तीन एटम आ जाएंगे इसमें, तीन एटम्स इसमें आ जाएंगे, सारे 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 जो भी डायरेक्शन है उन सबके डायरेक्शन में एक एक सेंटर में लेंगे, तो हम लोग को तीन, हमारे टोटल 3 एटम्स इसमें आएंगे। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं उसमें एक एटम कंप्लीटली इन्वॉल्व है, तो 1 × 3 = 3 आ जाएगा यहां पे, ठीक है, ये हमारा बॉडी हो गया। उसके बाद में अगर हम जाते हैं, अगर और इसके आगे एक तो हमारा बॉडी इस्तेमाल हुआ है, और अगर आपको याद है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एंड लेंगे, एंड सेंटर्स, दो एंड कोई भी आपको सिलेक्ट करने हैं, अगर आप कोई भी दो एंड सिलेक्ट करते हो तो हम लोग उसको ऐसा ले सकते हैं, यहां पे दो फेसेस अगर हम लोग लेते तो उसमें हाफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा। सो हम लोग ये बोल सकते 2/n सेंटर के लेते तो कितना हमारा 2, दो सेंटर हम लोग सिलेक्ट करेंगे, एक अपर एंड हो गया, एक डाउन एंड ले, या फिर कोई भी ये साइड का ले लो, जो भी आप एंड एक सिलेक्ट करते तो वो एंड का आप दो एटम्स लोगे, दो एटम्स की जगह पे कितना हाफ ही यूज हो रहा है, कंप्लीट तो आएगा नहीं, अगर हाफ आ रहा है तो हम लोग ये ले सकते हैं 1 मिलेगा हमें। तो अगर हम लोग टोटल निकालते तो कितने एटम्स मिल रहे हैं हमें यहाँ पे, 3 + 2 + 5 + 1 = 6, तो 6 एटम टोटल आ रहा है इसमें, राइट, तो टोटल 6 एटम आ रहा है, मतलब हम लोग इसका क्या बोल सकते हैं, हेक्सागोनल का रैंक ऑफ जो है हमारा लैटिस वो क्या आ जाएगा, हमारा 6 आएगा। तो अभी हमें
सिंपल का मिल चुका है, हमने सिंपल का देख लिया, फेस सेंटर का दे दिया, बॉडी सेंटर का निकाल दिया, सबका निकाल के हमें जो मिला है, अभी हमको क्या करेंगे ना, इन सबको हम लोग एक ही जो टेबल है उसमें हम लोग इनको निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एकदम परफेक्टली आप इसको कंपेरेबल फॉर्म में आप इसको पढ़ सको और वो जो है आपको इजीली याद रहेगा। तो इस तरीके से मैं आपको एक टेबल उसके अंदर बना के दूंगा। अगर आप उससे क्या कैसे होगा, एक ही टेबल के अंदर आपका पूरा जो ये जो कंसेप्ट है पूरा एक ही टेबल में आपको मिल जाएगा।